नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। अब उसको कैसे और किस प्रकार से चेक करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि अपना 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट कैसे चेक करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले छात्रों को अपना मोबाइल का गूगल को खोल लेना है। यहाँ आपको लिख देना है MP, इस प्रकार से मध्य प्रदेश MP रिजल्ट, इस प्रकार दोस्तों आपको लिख के सर्च कर देना MP रिजल्ट। जैसे आप रिजल्ट या दोस्तों रिजल्ट एस इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, MP रिजल्ट लिख के सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों MP बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में आप कहां पर क्लिक करनी, इस प्रकार दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सभी छात्र MP रिजल्ट s.nic.in लिखा हुआ आ रहा है, हमें इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर MP रिजल्ट पर आ रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से MP रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है MP BSc HSC हायर सेकेंडरी क्लास 10 एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022। अगर आपको 12वीं का रिजल्ट चेक करना है MP BSc इस प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022, जिसका भी आपको रिजल्ट चेक करना है उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम लोग 10वीं पर का चेक करना है तो हमें 10 पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इस प्रकार दोस्तों हमें 10वीं का रिजल्ट चेक करना है तो इस प्रकार से खुल के आएगा हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 10 रिजल्ट। यहाँ पर दोस्तों इंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर अपना रोल नंबर को डालेंगे, जो 10 अंकों का या 5 अंकों का जितने भी अंक आपको रोल नंबर है इसको डालना है। उसके पश्चात दोस्तों आप एप्लीकेशन नंबर को डालना है, एप्लीकेशन नंबर को डालने के पश्चात सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आप अपना 10वीं का रिजल्ट चेक कर पाएंगे, मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। अगर दोस्तों आपको 12वीं का चेक करना है तो यहाँ पर दोस्तों 12वीं वाला लिंक पर क्लिक करें, क्लास 12 पर, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको किस प्रकार से चेक करना है आपको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आपको 12वीं का रिजल्ट चेक करना है तो इस प्रकार से 12वीं क्लास वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से खुल के आ रहे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इंटर योर रोल नंबर को, यहाँ पर अपना रोल नंबर को डालेंगे, उसके पश्चात अपना एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर को डालने के पश्चात सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आप लोग का रिजल्ट खुल के आ रहेगा किन सब्जेक्ट में कितना नंबर है। तो इस प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक और बिना कोई गलती के। तो दोस्तों इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।